So we are continuing our topic. This is the second lecture on impotency. एक lecture हो चुका है impotency पे. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप सब लोगों ने देख लिया लेक्चर. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी बन जाती हैं. और क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज भी हमारे समाज में इससे रिलेटेड खुल के बात नहीं होती, अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है. और इस चक्कर में लोग बाग, मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिनको किसी तरह की कोई समस्या थी ही नहीं, खाली नॉलेज जानकारी का अभाव था और वो ट्रीटमेंट करा रहे थे. पूछने पर पता चला कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी, चाहे आप किसी भी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो, एनीथिंग, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि एकदम से पेशेंट की सुन के मेडिसिन देने की या कोई भी चीज डिसाइड करने की जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना. पहले एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि पेशेंट बता किस बारे में रहा है, कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली. क्योंकि वैसे भी हमारा देश जो है हिंदुस्तान, इतनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, इतने तरह के लोग हैं, इतने तरह के एक्सप्रेशन हैं एक ही चीज के लिए. अब जैसे अगर आप भोपाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहां मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि स्वेलिंग हो गई है या सूजन आ गई है. यहां उर्दू के वर्ड का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्या बोलते हैं? वरम आ गया है. लोकल, जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां लोकली किस चीज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब मस्ट है. पेशेंट बोलेगा कुछ, आप समझ कुछ लेंगे. पेशेंट आगे बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत घबराहट हो रही है. अब आप घबराहट ले लेंगे, एंजाइटी. कई बार पूछो तो पता चलता है वो एंजाइटी नहीं है, रेस्टलेसनेस है. पूछो, घबराहट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसी घबराहट होती है? डॉक्टर साहब चैन नहीं पड़ता बिल्कुल एकदम, एक जगह ज्यादा देर बैठ नहीं पाता हूं, बड़ी बेचैनी सी होती है, इधर उधर उठ के टहलने लग जाता हूं, या रात में बिस्तर में करवटें बदलता रहता हूं. तो इतना बेचैनी, इतनी घबराहट सी महसूस होती कि उठ के फिर टहलने लग जाता हूं. तो फिर वो आ गया रेस्टलेसनेस, है ना. और आप एंजाइटी, घबराहट सुन के एंजाइटी या रेस्टलेसनेस लिखने जा ही रहे थे, आपने क्रॉस किया तो पेशेंट बोलता है उल्टी उल्टी ऐसा लगता है, नोजिया. नोजिया को भी लोग बाग बोलते हैं कि घबराहट हो रही है. कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सुबह से भूख निकली, भूख नहीं लगी है डॉक्टर साहब, है ना, बड़ी घबराहट सी हो रही है. क्रॉस करने पर क्या पता चलता है वो घबराहट किस चीज को बोल रहा है? नोजिया को बोल रहा है, जी मिचलाने को बोल रहा है. समझ में? तो लेकिन क्या होता है, आमतौर पर मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है यहां पे कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बात करने में डॉक्टर्स खुद ही असहज हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ एक कि अनप्रेजुडिस माइंड का नहीं होना, अनप्रेजुडिस माइंड की प्रैक्टिस नहीं होना,
एक अनप्रेजुडिस माइंड के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे सरदर्द की प्रॉब्लम वैसी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आपके पेट की क्या प्रॉब्लम है, उसी तरीके से आपको बात करना है कि आपकी सेक्स रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। और माइंड यू, हमेशा ध्यान रखना, केस टेकिंग के टाइम डायरेक्ट आदमी आपके पास इम्पोटेंसी के लिए नहीं आया है, उसने बात भी नहीं किया, किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए आया है आपके पास। लेकिन डॉक्टर केंट ने अपनी प्रैक्टिस भी की है और ये कहा भी है कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम या सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर जनरल प्रॉब्लम्स। कई बार आपने कोई केस लिया, आपके पास कोई माइग्रेन का पेशेंट आया, आपके पास कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट आया, आपके पास कोई रूमेटिक पेशेंट आया, और अगर वो फीमेल हो तो कई बार रेमेडी सेलेक्ट हो जाती कहां से, कि बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस क्या सिम्टम आ रहे हैं, वो जनरल सिम्टम बन जाता है। उसकी मेन प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअलाइज करने के बाद जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज आ रही है उसको इंडिविजुअलाइज करने का साधन बन जाता है। और मेल्स में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनका संबंध जो होता है, इनका रिलेशन जो होता है, वो आदमी की डिजायर से होता है। आदमी की मूलभूत बेसिक डिजायर्स में से और बेसिक जरूरतों में से एक होता है सेक्स। जैसे कि अपन जनरल में किसको रखते हैं, फूड रिलेटेड डिजायर्स, ये सब जनरल में आती है। ये खाने की इच्छा होती है, वो खाने की इच्छा होती है, इस चीज की क्रेविंग होती है, कोई परवर्टेड क्रेविंग होती है, चौक खाने की इच्छा होती है, बत्ती खाने की इच्छा होती है। उसी तरीके से इसकी क्रेविंग भी होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज नॉर्मेलिटी में है, सामान्य है, और सामान्य है ये कैसे समझ में आता है, कोई भी चीज सामान्य है, आपकी किसी खाने की इच्छा हो, आपकी सेक्स की इच्छा हो, कोई भी चीज सामान्य है, ये कैसे समझ में आता है, ये डिजीज के लेवल में नहीं है, ये कैसे समझ में आता है। ये इस तरीके से समझ में आता है कि वो आपके इंटेलिजेंस पे हावी नहीं होती। ठीक है, अब एक यंग लड़का है, मान लो जवान है, 18-19-20 साल का लड़का है, उसकी मैरिज नहीं हुई है, बट अब उसको एक नेचुरल सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है, कभी उसको सेक्सुअल डिजायर हुई किसी भी एक्सपोजर में आने पे, कभी कुछ ऐसा देखा सुना तो उसको सेक्सुअल डिजायर हुई। अब अगर ये सेक्सुअल डिजायर उसके इंटेलिजेंस को क्रॉस कर गई, कहने का मतलब ये है कि वो गैर कानूनी तरीके से, अनैतिक तरीके से, या अपना काम धंधा छोड़कर उन इच्छाओं के बहाव में आकर, उस डिजायर, उस इमोशंस के बहाव में आके, उस काम वासना के बहाव में आके, ऐसे कार्यों में, ऐसे कामों में अगर वो लिप्त रहने लग जाता है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा है, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, देन वो डिजीज्ड कंडीशन में आती है। लेकिन वहां उसका इंटेलिजेंस उसको बोलता है कि नो, ठीक है, इट्स ओके, सेक्सुअल डिजायर होना इज ए वेरी कॉमन थिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो आपके इंटेलिजेंस पे हावी हो जाए और आप उसकी वजह से कोई सामाजिक, नैतिक, धार्मिक या कानूनी नियम कायदों को अगर आप तोड़ के कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने में लिप्त हो गए, दैट मींस दैट कंडीशन इज डिजीज्ड कंडीशन। इस चीज को ध्यान रखना। और सिंपल तरीके से लिया जाए, अगर किसी भी चीज से, जैसे मेंटल स्टेट है, गुस्सा सबको आता है, डर सबको लगता है,
प्रेम का भाव सभी को महसूस होता है, लव का इमोशंस, खुशी सबको महसूस होती है, इच्छाएं अलग अलग तरह की सभी को होती है। ये टूल्स हैं, ये नेचर के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए टूल्स हैं। फियर अगर आपके एक सामान्य आदमी के अंदर, एक कॉमन मैन के अंदर, एक मध्य अवस्था में, एक नॉर्मल कंडीशन में है, तो वो उसके लिए एक सुरक्षा का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बड़े ऑफिस में, किसी बड़े सरकारी ऑफिस में, किसी बड़े दफ्तर में गए हुए हैं, वहां आपको अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है, और कुर्सी में बैठा हुआ आदमी जो है वो पद उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है, वो पद का अहंकार घमंड उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है, और उसने आपसे थोड़ा सा इल मैनर्ड तरीके से बात करी, आपको क्रोध आया मन में, अब अगर आप डिजीज्ड हो, आपको अगर दवा की जरूरत है, तो वहीं आप बोलोगे तेरी ऐसी तैसी होगा तू ऑफिसर अपनी जगह का, अभी बोले सब सारी तेरी ऑफिसर गिरी यहीं पे निकाल दूंगा, और होगी जम के बहसबाजी, उसने बुलाया अपने उसको बाहर निकालो, दोबारा यहां पे ये दिखना नहीं चाहिए, आपका काम जिसके लिए गए थे वो तो गया एक तरफ, और हो सकता है पुलिस वुलिस बुला ले तो थाने कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ जाए। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास एक बैलेंस्ड, एक स्वस्थ माइंड है, तो एक फियर नहीं यार, अगर मैं इसको अभी ऐसा बोल दूंगा, अपने इमोशंस इसको शो कर दूंगा, तो बनता काम बिगड़ जाएगा, तो वो पूरी तरीके से अपने काम में फोकस, बैलेंस्ड माइंड, उस चीज को इग्नोर करते हुए तरीके से बात करके, उस चीज के बिना प्रभाव में आए हुए अपना काम वाम करवा लिया और हो गया। क्यों, ऐसी तो हुआ था ना, है? बात लगभग लगभग बिगड़ गई थी, डॉक्टर अमोल ने एक ड्यूप्लेक्स बुक किया हुआ, पजेशन देने में एक साल की देरी हो गई, हो जाती, ऊपर नीचे हो जाता, एक दिन गए अपनी वाइफ के साथ उसके ऑफिस में बात करने के लिए, अब इनकी वाइफ भावुक, गुस्सा आ गया, बस गुस्से में उनने भग दिया उसको उल्टा सीधा, वो भी आ गया तेश में, ओरिजिनल मुद्दा तो एक ही तरफ गया, अब यहां पे ये बात हो गई कि अब नहीं कर रहे, जो करते बने कर लो और कोर्ट कचहरी में जाओ, जैसा करना करो, किसी तरीके से बात को संभाला गया, समझदार लोगों को बीच में रख के उस चीज को किसी तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ा। तो ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कहां पे हमको उसको इवेल्युएशन करने में ये चीज बहुत काम आएगी, मेंटल स्टेट्स की। गुस्सा किसको नहीं आता यार, है ना, सेक्स की इच्छा किसकी नहीं होती, बल्कि एक जवान व्यक्ति में सेक्स की इच्छा का ना होना ये एक बीमारी का साइन हो जाता है कि देयर इज नो डिजायर एंड एक्सेसिव डिजायर। ठीक, इस चीज से आप नाप सकते कि आदमी की कौन सी मेंटल स्टेट को हमको अंडर कंसिडरेशन लेना है, और जानकारी नहीं होने की वजह से। एक डॉक्टर मित्र मिले मेरे को, गुजरात में,
अड़तालीस उनचास साल की उम्र, दो बच्चे ऑलमोस्ट जवान, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे दोनों, 49 ईयर्स उनकी एज, वो डॉक्टर साहब की मुझसे रिक्वेस्ट किए कि यार डॉक्टर केस ले लो, थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने ठीक है केस टेकिंग कर लेते हैं आपकी। अब काफी समय से डायबिटीज में ग्रस्त रहने की वजह से अक्सर ये होता है कि डायबिटीज जो है वो एक बॉडी में ऑल ओवर कहीं पे भी न्यूरोपैथी कॉज करती है। न्यूरोपैथी कॉज होने करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स की जो टोन होती है वो क्रिपल्ड हो जाती है, सही से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है डिजिटल ऑर्गन्स में। इसलिए आप अक्सर देखना कि डायबिटीज वालों के पैरों में जलन, पैर के तलवों में जलन या सेक्सुअल इंसफिशियंसी, सही तरीके से इरेक्शन का नहीं होना या टू क्विक इजेकुलेशन हो जाना, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें काफी दिन से चल रहे होने की वजह से जब आदमी को किसी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, इन केस फॉर एग्जांपल, तो जब तो जिस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको अपने माइंड के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है, तो दिमाग उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, मन उसके आसपास घूमने लग जाता है। मान लो आप अच्छे भोजन, अच्छा खाना खाने के आदि हो और पिछले एक हफ्ते से आप कहीं ऐसी जगह पे हो, किसी ऐसी जगह पे हो कि ढंग से आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, या मिल भी रहा है तो आपकी रुचि या चॉइस का नहीं मिल पा रहा है आपको, ठीक है ना, संतुष्टि खा तो रहे हो, संतुष्टि मिल नहीं पा रही है, तो फिर आपके कुछ समय, कुछ दिनों में आपके मन में, आपके दिमाग में आपकी फेवरेट चीजें घूमने लग जाएंगी, यार मैं अपनी जगह जाऊंगा तो ये खाऊंगा, हाँ ये चीज करूंगा, अपने घर जब जाऊंगा तो वाइफ से बोल के ये चीज बनवाऊंगा, मतलब अब ये इसके इर्द गिर्द आपके घूमने लगा, तो अधूरा अनुभव, असंतुष्टि बार बार खींचती है इंसान को, सिर्फ पूर्ण अनुभव ही मुक्त करता है इंसान को। इसलिए जो भी चीज करें पूरे मन से करें, पूरे दिल से करें, होल एग्जिस्टेंस से करें, तो वो चीज आपको खींचेगी नहीं, वो चीज आपके सर पे सवार नहीं होगी। चीज एग्जिस्टेंशियल रहे तो स्वस्थ रहती है। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, जो भी मिला संतुष्टि से और मन से खाना खा लिया, अब खाना दिमाग में नहीं घूम रहा, कोई भी चीज यहां पहुंच जाती है ना मन में तो फिर वो विकृत होने लग जाती है, ठीक है, विकृति, जैसे कि एक विकृति सेक्स रिलेटेड एक विकृति होती है होमोसेक्सुअलिटी, आजकल तो इस चीज पे कानून बन रहे हैं क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व रहने लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और अपने यहां तादाद से डिसाइड होता है, अब बहुत सारे लोग हो गए हैं उस चीज में इन्वॉल्व रहने के लिए वाले, तो नेचुरल है समाज में उस चीज को लेके कानून बनाना पड़ेगा, वो जो कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रकृति की नजर से देखें तो दैट इज एक अननेचुरल है। तो ये होमोसेक्सुअलिटी निकला कहां से? ये होमोसेक्सुअलिटी निकला मोनेस्ट्रीज से, आश्रमों से, जहां पे सेक्स बैन था, तो वो चीज कहां चली गई? मन में, और फिर मन रास्ते ढूंढने लगा। ठीक है ना, मैं एक होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये निकला कहां से? ये ऐसे कैथोलिक आश्रमों से निकला
जहां पे या तो मेल्स ही मेल्स को रखा जाता है, सेक्सुअल लाइफ मैरिड लाइफ बैन होती है, वहां से ये विकृति निकल के आई, है ना। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहने वाले लोग, जहां पे जिस समाज में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे लोगों को पाया है, जैसे कि अब बता रहा हूं कि अब जैसे कि अपने यहां यूपी बिहार साइड में काफी गरीबी होती है, वहां पे क्या करते हैं, बच्चों को मदरसों में डाल दिया जाता है, वो वहां पे खाली रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इसका पढ़ना करते हैं, बाकी सारी चीजें बैन होती है। उस एरिया से, उन जगहों से मैंने बहुत सारे लोगों को मेरे पास आए इलाज के लिए, ऐसे जिनको जो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थे। तो लाइफ इज इन बैलेंस, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सिम्टम को इवेल्युएट करने से पहले, अपने प्रैक्टिस में अंडर कंसिडरेशन में लेने से पहले, आपको ये सुनिश्चित करना पूरी तरीके से जरूरी है कि ये डिसबैलेंस है क्या, ये एक्सट्रीम की तरफ है क्या, या ये बिल्कुल भी नहीं की तरफ है क्या। तो मैं बता रहा था, वो जो डॉक्टर साहब थे जिनने मेरे को अपनी केस टेकिंग के लिए बोला, वो मुझसे कहने लगे, बड़े झिझकते झिझकते, कि डॉक्टर मैं, अब आप सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन देखिए मैं दो जवान जवान बच्चों का बाप हूं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स घूमते हैं, ठीक है, कभी भी किसी फीमेल को देखता हूं तो मेरी नजर उसके अंगों की तरफ ही जाती है, ब्रेस्ट की तरफ जाएगी, हिप्स की तरफ जाएगी, जो भी कामुक अंग होते हैं उनकी तरफ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, ऐसा कब से हो रहा है? बोले, जब से ये मुझे प्रॉब्लम हुई है डायबिटीज की, और उसके बाद से मैं प्रॉपरली अपनी सेक्सुअल लाइफ जीने में संतुष्ट तरीके से असमर्थ हो गया हूँ, तब से होने लगा। मैंने बोला, आप एक बात बताइए मुझे, आपने आज तक इस थॉट्स के बहाव में आके, और वो बड़े रिलीजियस आदमी, रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, है ना, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, लोगों के मुफ्त में इलाज करना, इस तरह के काम, मैंने बोला आज तक आपने अपना काम धंधा छोड़ के कभी औरतों के पीछे गए? बोले, नहीं, आज तक नहीं गया। कभी इधर उधर मुंह मारा आपने, या कोई ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहे? नहीं। तो मैंने बोला, बस बात खत्म हो गई, देन यू आर नॉट डिजीज्ड। अब ये कॉमन सिम्टम हो गया कि आदमी डायबिटीज से ग्रस्त है, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो सही तरीके से सेक्सुअल अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से वो चीज उसके दिमाग में चली गई है, और वो घूमती है असंतुष्टि की वजह से। दिमाग, मन का काम क्या है? वो एक आपके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। जिन चीजों में आप असंतुष्ट रह जाते हो, जिन चीजों को आप पूरा नहीं कर पाते हो, वो ख्वाब में आपको पूरा करवा देता है। ठीक है, वो एक कंपनसेशन हो जाता है। तो ये सुनिश्चित कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सही तरीके से, मैंने बोला ना, जब मैंने इवेल्युएशन का लेक्चर ले रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भी महान मास्टर्स हुए हैं होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के क्षेत्र में, होम्योपैथी की फील्ड में, वो इवेल्युएशन में मास्टर रहे हैं। आप भी ले लोगे वही केस, आपके पास भी वही सिम्टम आए गए, लेकिन अगर आप इवेल्युएशन में कच्चे हो कि किस
लक्षण को, किस सिम्टम को कितनी कीमत देनी है। तो आपके पास पूरे सिम्टम्स की लिस्ट होने के बावजूद भी ये पूरी पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा या आप चूक जाएंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और खास तौर से सेक्स रिलेटेड, क्योंकि सेक्स रिलेटेड भ्रांतियां ज्यादा फैली हुई हैं। सही तरीके से एजुकेशन नहीं है, आदमी जो भी इधर आधा कच्चा पक्का सुन लिया, इधर उधर उल्टी सीधी मैगजीन्स पढ़ लिया, इधर उल्टी सीधी मूवीज देख लिया, और उसी को वो सच समझने लग जाता है और उसी से वो स्वयं को कंपेयर करने लग जाता है। अगर आप कभी कोई पोर्न मूवीज देखें तो उसमें आप देखेंगे एक सेक्सुअल एक्ट करीबन आधे आधे घंटे चल रहा है, एक एक घंटे चल रहा है, पौन पौन घंटे चल रहा है। तो क्या ये रियलिटी है? बहुत सारे इसीलिए इलाज करवाने आ जाते हैं। बल्कि इसका सही पैमाना क्या होता है? आपको कोई ऐसा आए तो आप भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए बिना ये जाने, भाई आप ये पूछें, आप अपने सेक्सुअल एक्ट से संतुष्ट हो जाते हैं? आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर लेते हैं? हाँ ठीक है, देन इट्स ओके, बात खत्म हो गई। ठीक, तो सही चीजों का मालूम करना, उनको सही तरीके से इवेल्युएट करना, वो वाकई में अनकॉमन है कि नहीं उसको लेना, ये चीज आपकी जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में देखता आया हूं, जैसे जैसा मेरा इवोल्यूशन हुआ है उतने ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखें, एकदम से बड़ी जल्दी ना करें किसी भी सिम्टम को लेने की, अंडर कंसिडरेशन लेने की, उसको अपनी रिपर्टराइजेशन में रखने की, और उसको कहाँ रखना है, किधर से चलना है, कहाँ से हमको यात्रा शुरू करनी है, ये सब चीजें आपको इवेल्युएशन बताएगा। तो इवेल्युएशन में आपकी मास्टरी होना जरूरी है। इवेल्युएशन के चैप्टर को, इवेल्युएशन के लेक्चर्स को बार बार देखें, बार बार सुने, बार बार उसको प्रैक्टिस करें, तो आपकी केस टेकिंग भी सफल हो पाएगी, इतनी मेहनत जो है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मैंने पिछली बार कहा था ना कि सिर्फ इंसान ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसको ऊपर वाले ने सेक्स रिलेटेड ये लिबर्टी दी है, बाकी जितने भी जानवर हैं आप देखना वो पूरी तरीके से प्रकृति से बंधे हुए हैं, है ना। पाश, पाश एक हिंदी संस्कृत से डिराइव हुआ हिंदी का शब्द है, पाश। पाश का मतलब होता है बंधन, अपने पाश में बांध लिया, और पाश शब्द से आया है पशु। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से बंधा हुआ है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कुछ। उसका एक पर्टिकुलर सीजन आएगा, उस सीजन में मेल्स और फीमेल्स से खास तरह के हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो उनके नर्वस सिस्टम में एक्ट करेंगे, उनके सेक्सुअल सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, और वो रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, और वो टाइम गया, काम खत्म। बट ऊपर वाले ने ये चीज जो है इंसान को के विल के अंदर दे दी है। सेक्स इंसान की विल के अंदर दे दिया है, इंसान उसको रिप्रोडक्शन के अलावा अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एक भरपूर जीवन जीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है अकेला इंसान। यह एक नेचुरल लग्जरी है। हो सकता है गरीब आदमी के पास एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे साधन खरीदने के लिए पैसे ना हो, वो बहुत अच्छी
गैजेट्स नहीं खरीद सकता हो, बहुत अच्छे मोबाइल्स नहीं खरीद सकता हो, बहुत अच्छी गाड़ियां नहीं खरीद सकता हो, बहुत सारे अपने एंजॉयमेंट के लिए वो नहीं खरीद सकता हो, पर ये वाली लग्जरी जो है सेक्स रिलेटेड लग्जरी, उससे कौन छीन सकता है? क्योंकि सेक्स लग्जरी की श्रेणी में आता है, नेसेसिटी की श्रेणी में नहीं आता है। इंसान सेक्स के बिना जी सकता है, रोटी कपड़ा मकान के बिना नहीं जी सकता। रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी है, सेक्स लग्जरी है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में जो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा कमाई पैसों और इनके तनाव में रहते हैं, ठीक है, अक्सर आपको उनको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी। और अक्सर जिनका ये हिस्सा, जो बेसिक हिस्सा जो है रोटी कपड़ा मकान वाला, ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो वो मोस्टली दे आर लीडिंग अ हेल्दियर सेक्सुअल लाइफ, ठीक है ना। सो सेक्स इज ए लग्जरी, इंसान उसके बिना जी सकता है। सर, वो नेसेसिटी की श्रेणी में नहीं है। तो अब ये लग्जरी जब आदमी से छिन जाती है, क्योंकि प्रकृति, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें प्रकृति ने भरपूर 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 आनंद रखा हुआ है। तो मैंने देखा है उन लोगों को कि वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जिंदगी की कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज छिन गई। टेंशन, तनाव, झगड़े, डिवोर्स, बहुत सारे डिवोर्स इस चक्कर में हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि आप इस चीज को ट्रीट करके एक सामाजिक नेक काम भी करते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक मूलभूत फैक्ट है कि किसी भी फैमिली में अगर बहुत अच्छी, बहुत प्रगाढ़, बहुत प्रेमपूर्ण और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है, तो उस फैमिली में बहुत अच्छी हार्मोनी आम तौर पे पाई जाती है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चों, बड़ी अच्छी आपको एक हार्मोनी मिलेगी। और उसके एक बेसिक में होता है कि एक अच्छी और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, ठीक। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमारी होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शानदार शानदार मेडिसिन है जो इंसान को इस चीज से निजात दिला सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने लाइकोपोडियम के बारे में बात करी थी, इस लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम में बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत कॉमनली इंडिकेट होती है, एंड दैट रेमेडी इज सेलेनियम। सेलेनियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू जो होता है, इधर ध्यान दें, सेलेनियम का जो इसको बाकी सारी इम्पोटेंसी की रेमेडी से अलग करता है, चाहे आप TFLN की इंसाइक्लोपीडिया उठा के देख लें, चाहे आप बोरिक, डॉक्टर बोरिक की पॉकेट मैनुअल उठा के देख लें, चाहे आप HCLN के कीनोट देख लें, चाहे आप डॉक्टर हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरिया मेडिका देख लें, चाहे डॉक्टर केंट की लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका देख लें, चाहे बोगर की सिनॉप्टिक की देख लें, चाहे डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया देख लें, जितने भी बड़े बड़े होम्योपैथ्स हुए हैं, डॉक्टर लिप्पे को देख लें आप, रेड लाइन सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, की नोट्स एंड रेड लाइन सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, तो उस सब के हिसाब से इसका जो निचोड़ और ट्रीटमेंट में भी अपनी प्रैक्टिस में जो पाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है इम्पोटेंसी के साथ एक खास कॉम्बिनेशन होता है। सेलेनियम की जो इम्पोटेंसी होती है, इसके खास कॉम्बिनेशन होता है कि इम्पोटेंसी है, मतलब सेक्सुअल एक्ट नहीं कर पा रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रॉपर इरेक्शन या नो इरेक्शन की कंडीशन है,
लेकिन सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल फैंसीज बहुत ज्यादा होती है। ये कॉम्बिनेशन मिलता है जब कोई इंपोटेंसी का पेशेंट आपसे बात करे और बात करते टाइम आपको ये एहसास हो कि इसके थॉट्स, इसके विचार, इसकी कल्पनाएं पूरी सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ऐसा करूंगा, वैसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाता हूं, खूब घूमती है, तो आपके दिमाग में जो पहली रेमेडी स्ट्राइक करनी चाहिए दैट इज सेलेनियम। क्योंकि अगर आप रूब्रिक्स भी खोल के देखेंगे, अगर आप रूब्रिक्स भी खोल के देखेंगे तो आप अगर सिंथेसिस में खोले, मेल है ना, खोले, माइंड में जाए, माइंड में देखें फैंसीज, कल्पनाएं, लेसिवियस, कामुक, इंपोटेंसी विद, इन जनरल माइंड में जाए, लेसिवियस देखें, कामुक, इंपोटेंसी विद, नपुंसकता के साथ कामुकता, अत्यधिक कामुकता का मिश्रण अगर हो कि ये बहुत कामुक है, और बहुत कामुक है कैसे पता चलता आदमी की, उसके थॉट्स, उसकी बातें, उसके विचार, उसके जोक्स, सब चीजें सेक्स के अराउंड ही आपको ऐसा लगेगा, आपको ये एहसास होगा कि ये तो बहुत ज्यादा इसका दिमाग सेक्स के इर्द गिर्द घूमता है, सेक्स रिलेटेड कल्पनाएं, सेक्स रिलेटेड इच्छाएं, वो बातें भी करेगा तो मैक्सिमम उसमें, और अगर वो इंपोटेंसी उसके अंदर हो, ये जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स की बुक का मैंने नाम लिए हैं, आपको एक लाइन तो सब में ही लिखी हुई मिल जाएगी, लेसिवियस थॉट्स विद इंपोटेंसी। सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड में खोलें, थॉट्स खोलें माइंड के अंदर, थॉट्स के अंदर खोलें सेक्सुअल, सेक्सुअल के अंदर खोलें इंपोटेंस विद, उसको सेक्सुअल थॉट आते हैं लेकिन है क्या, इंपोटेंसी की प्रॉब्लम। फैंसीज कल्पनाएं, लेसिवियस कामुक, कामुक कल्पनाएं करता रहता है लेकिन क्या है, विद इंपोटेंसी। इन जनरल लेसिवियस पर्सनैलिटी का आदमी है, कामुक प्रवृत्ति का इंसान है, उसकी बातें, उसकी कल्पनाएं, उसकी सारी चीज सेक्स के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं विद इंपोटेंसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना, एक्सट्रीम डिजायर, एक्सट्रीम थॉट्स अबाउट सेक्स, बट ही इज इंपोर्टेंट। डॉक्टर लिप्पे अपनी रेड लाइन सिम्टम्स में बोलते हैं कि, और रेड लाइन सिम्टम्स में उनने जब सिम्टम्स जो लिखे हैं ना, है ना, एक तो सिंपल लिख दिए हैं, कुछ इटैलिक्स में लिख दिए हैं, है ना, और जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वो कैपिटल बोल्ड में लिखे हुए हैं, तो उनकी कैपिटल बोल्ड में लिखा हुआ है उसमें इंपोटेंस विथ वॉलप्चसनेस। कैसा इंपोटेंस, कैसा इंपोर्टेंस, विथ वॉलप्चसनेस। और व्हाट इज वॉलप्चसनेस, कि उसकी बातों से, केस टेकिंग के दौरान उसकी बातों से आपको यह समझ में आएगा कि यह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और बहुत ज्यादा एक्साइट होता है सेक्सुअल मैटर्स को लेके। बहुत मजा आता है इसको सेक्सुअल बातें करने में, सेक्सुअल थॉट्स में डूबे रहने में, और इस तरह की चीजों की इर्द गिर्द इसका मन घूमता रहता है। अब देखो, एक जगह अपनी रिपर्टरी में लिखा हुआ है स्किन में, इचिंग के अंदर लिखा हुआ है वॉलप्चस। अब वॉलप्चस को इचिंग के साथ कैसे
इसका सेलेनियम से कोई लेना देना नहीं है, खाली वॉलप्चस समझाने के लिए बता रहा हूं। इस सिम्टम्स को अपन कैसे देखेंगे? इचिंग वॉलप्चस, हाथ नहीं रोक पाता हूं डॉक्टर साहब, कितनी कोशिश करता हूं हाथ नहीं रोक पाता हूं, और फिर खुजाता हूं और इतना मजा आता खुजाने में कि ऐसा लगता है बस खुजाते जाओ खुजाते जाओ, बड़ा मजा आता खुजाने में। तो प्लेजर, गेटिंग प्लेजर टू द सेंसेस, उसके सेंसेस को बहुत आनंद आए, लेकिन सेलेनियम में यह आनंद किस चीज से आता है उसको? सेक्सुअल मैटर्स से, सेक्सुअल थॉट्स से, सेक्सुअल टॉक्स से। आपको बात करके सेलेनियम के, अगर इम्पोटेंसी का पेशेंट है तो यह एहसास अनिवार्य रूप से होगा कि यह बहुत कामुक इंसान है, इसकी सोच कामुकता भरी बातों और इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और इन सब चीजों में यह बहुत आनंद लेता है, इसको बहुत मजा आता है, मतलब इसके प्लेजर का प्राइम साधन ही यही है। लेकिन क्या हुआ? इम्पोटेंसी। अब कितनी परेशान रहता होगा ऐसा आदमी कि जिसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, कल्पनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह का ये बिल्कुल समझ लेना रेड लाइन सिम्टम है सेलेनियम का। इसका कॉम्बिनेशन अगर आपको मिले, दूसरे तरीके का सुनना, दूसरे तरीके का भी इम्पोर्टेंस इसमें कवर होता है, एक खास तरीके का इम्पोर्टेंस, और इसमें इसकी जो कंपैरिजन किया जाता है सल्फर से किया जाता है। सेलेनियम, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम धंधों में इन्वॉल्व रहा, हिस्ट्री ये मिले कि अभी ये बहुत ज्यादा इतने एग्जर्शन से गुजरा है, ये अभी मान लो कोई व्यक्ति आए है ना, एक रिनाउंड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, कब आए? अप्रैल में। चूंकि रिनाउंड थे तो उनके क्लाइंट बहुत ज्यादा थे, और अपने यहां हिंदुस्तान में मार्च में टैक्स की क्लोजिंग होती है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा था, भयंकर ज्यादा था, हर आदमी पीछे पड़ा रहता था, भैया मेरा टैक्स का मामला है ये वो, तो रात रात को काफी जग के बहुत करना पड़ता और बहुत ज्यादा। तो अगर कोई व्यक्ति आए जहां आपको, तो हिस्ट्री मिली मेंटल एग्जॉशन एंड लॉस ऑफ स्लीप, नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा कॉम्बिनेशन वाला आदमी आए और इस तरीके की चीज से गुजरने के बाद उसको इम्पोर्टेंस की शिकायत हो रही है, उसके बाद से ये हो रहा है, डॉक्टर साहब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सेक्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, मेरा इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, और कॉजिशन क्या मिले? मेंटल एग्जॉशन, किसी ऐसी प्रक्रिया से गुजरा है जिससे वो दिमागी रूप से थक गया है या उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई है। इस कंडीशन से गुजरने पर अगर इम्पोटेंसी की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, इरेक्शन पेनिस के इरेक्ट ना होने की अगर शिकायत आती है, तो वो दो ही रेमेडी आपके दिमाग में आनी चाहिए, सेलेनियम एंड सल्फर। अब इनको अलग अलग कैसे करेंगे? इसको अलग अलग ऐसे करेंगे कि सल्फर में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वो नहीं जा रहा होता है, सल्फर का जो है मेन जो होगा है ना, वो आपको ये समझ में आएगा कि इसको प्रॉपर पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सल्फर का पेशेंट अगर इस चीज से गुजरा मेंटल एग्जॉशन दिमागी थकान से या लॉस ऑफ स्लीप से, और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, तो उसका पेनिस क्या शो करेगा? उसका पेनिस शो करेगा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना, कैसे? कोल्ड पेनिस रहेगा एंड श्रीवल्ड, जैसे सिकुड़ गया हो एकदम। लेकिन सेलेनियम का मामला सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेशन की बजाय मोर नर्वस रहता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन रहता है,
और सोचो इतना ज्यादा रिलैक्सेशन होता है कि इनवॉलेंट्री सीमेंट का ड्रिबलिंग होती है, इनवॉलेंट्री कोई व्यक्ति, कोई अगर इम्पोटेंसी का पर्सन आपको आके शिकायत ये करे कि मेरा इरेक्शन नहीं होता है और धाज जाने की शिकायत है, क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, धाज जाता है, वीर जाता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, रात में जब सोता हूं, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम थी उसको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम थी उसको, और उसका कहना क्या था कि रात में जब मैं सोता हूं है ना, तो पेनिस से ऐसे सीमेन ड्रिबल होता रहता, मतलब सुबह उठता हूं ना तो मेरी जो अंडरगार्मेंट है ना वो पूरे उसमें निशान बने रहते हैं और वो जैसे माड़ जैसे सूख जाता है, क्या कहते हैं सीमेन, तो वो जैसे माड़ लगा दिया हो कपड़ों में, ऐसी हो जाती है इंटरवियर। दैट इज द केस ऑफ ऐसा रिलैक्सेशन आए कि सीमेन इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग हो रही है, दैट इज द केस ऑफ सेलेनियम। ठीक है, क्योंकि सेलेनियम का इफेक्ट जो आता है ज्यादातर उसके सिम्टम्स स्पाइन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए अगर इम्पोटेंसी का पेशेंट नहीं भी है, सेलेनियम का पेशेंट, और अगर वो सेक्सुअल एक्ट कर लिया या उसको नाइट पोल्यूशन हो गया, जिसको नाइट फॉल बोला जाता कॉमन लैंग्वेज में, तो उसके बाद वो बहुत थकान, कमजोरी, वीकनेस इन बैक, ठीक है ना, सुस्ती, चिड़चिड़ापन ऐसा फील करता है सेलेनियम का पेशेंट। इससे आप समझ जाना कि इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो थोड़े दिनों में इसको ऐसी नर्वस वीकनेस आ जाएगी कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने लग जाएगा, मतलब सेलेनियम की उसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है ना, अक्सर सेक्सुअल न्यूरास्थीनिया, समझे, अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, न्यूरोस्थेनिया मतलब थकान, नर्वस थकान, नर्व्स थक गई हैं, अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के बाद अचानक से ऐसे लगे एक दिन कि अरे ढंग से इरेक्शन नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, डिजायर तो हो रही है, अच्छी खासी डिजायर हो रही है बट इरेक्शन नहीं हो रहा है ना, ऐसे सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया का केस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हुआ है, एक्सेसिव। मेरे एक मित्र थे पहचान वाले, ही इज एन एलोपैथिक डॉक्टर, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, दोनों, उनकी वाइफ 600 किलोमीटर दूर यहां से पोस्टिंग है उसकी, दोनों की अलग अलग जगह पोस्टिंग है, 600 किलोमीटर का फासला है, वो अपना वहां पे जॉब करती है, वो वहां पे जॉब करते हैं। अब वो मेरे पास आए थे घबराए हुए कि ये क्या हो गया मेरे को, मित्र हैं, होम्योपैथी का कैलिबर जानते हैं, कई बार इससे फायदा उठा चुके हैं ऐसी ऐसी चीजों में जिसमें उनकी पैथी ने हाथ खड़े कर दिया, तो वो होम्योपैथी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं। आए, क्या था क्या था, बहुत समय बाद उनकी वाइफ आई थी उनके पास, और इतने समय में इतनी डिजायर और ये सारी चीजें आदमी की इकट्ठी हो जाती हैं, कल्पनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, काफी समय बाद, साल 6 महीने बाद छुट्टी मिल पाई थी, आई थी 3-4 दिन के लिए, तो 3-4 दिन एक्सेस में सेक्स हो गया, और एक्सेस में सेक्स होने के बाद एक हफ्ता जब गुजरा, 10 दिन के लिए आई थी, उसके बाद 6वें 7वें दिन उनके नर्वस सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए, एकदम न्यूरास्थेनिया की कंडीशन आ गई, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, अब इच्छा तो हो रही है बट इरेक्शन नहीं हो रहा, इस तरह के केसेस जो होते हैं ये होते हैं सेलेनियम के, इस चीज का ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक, तो
सेक्सुअल डिजायर जब इसकी इंप्रूविंग हो रही थी तो सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन एबिलिटी कम हो रही थी, फिजिकल एबिलिटी कम हो रही थी। तो ये बढ़ी हुई डिजायर, बढ़ी हुई कल्पनाएं, बढ़ी हुई कामुकता प्लस इम्पोटेंसी इज इक्वल टू मेनली सेलेनियम। कई बार लोग बाग ऐसे आ जाते हैं आपके पास जो ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब अंदरूनी कमजोरी आ गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? वीर में बहुत ज्यादा पतलापन है और कोई स्मेल ही नहीं होती है। स्पर्म की एक अपनी एक खास तरह का ऑडोर होता है और गाढ़ापन होता है एक नॉर्मल स्पर्म में। अब एकदम पानी जैसा पतलापन अगर हो रहा है सीमेन में और सीमेन ऑडोरलेस हो रहा है, कोई स्मेल नहीं है, ऐसी कंडीशन को भी सेलेनियम ठीक कर देती है। सीमेन थिन एंड ऑडोरलेस और एक खास तरह का बस शुरुआत ही हुई रहती है, समझ लो इंपोटेंसी होने की एक खास तरह की इंपोटेंसी कि इरेक्शन तो हो रहा है लेकिन जैसे क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करता है पेनिस रिलैक्स हो जाता है। इरेक्शन तो हो रहा है लेकिन ऑन अटेम्प्टिंग फॉर क्वेश्चन, जैसे ही वो संभोग के लिए, जैसे ही वो कॉपुलेशन के लिए अटेम्प्ट करता है पेनिस रिलैक्स हो जाता है। दिस इज द केस ऑफ सेलेनियम। और यहां जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पुराने, है ना, अगर उनके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो इसमें से कितने सारे केसेस आते हैं कॉमनली जहां पे सेलेनियम प्रिस्क्राइब हो सकती है? ठीक। सो और अगर ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री प्रोस्टेटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है और आदमी अगर इंपोर्टेंट है तो एक ही रेमेडी है सेलेनियम। नर्वस रिलैक्सेशन, इनवॉलेंट्री प्रोस्टेटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज के साथ अगर इंपोर्टेंसी का कॉम्बिनेशन मिले तो पूरी रिपर्टरी में सिर्फ एक ही दवा है एंड दैट इज सेलेनियम। ठीक है। और अगर कोई इंपोर्टेंसी के लिए आपके पास आए कि सेक्सुअल एक्ट वो नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अक्सर नाइट फॉल की शिकायत हो जाती है, नाइटली पोल्यूशन हो जाता है, तो हमारे पास पूरी मटेरिया मेडिका में इसके लिए सिर्फ दो रेमेडीज हैं। अब दो है मतलब केस इनकम्प्लीट है, अब आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। उसमें से एक रेमेडी है सेलेनियम और दूसरी रेमेडी कौन सी है डॉक्टर अमोल? खोलो सिंथेसिस में मेल, मेल के अंदर खोलो मेल जेनिटलिया, मेल जेनिटलिया के अंदर खोलो पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस खोले है ना, पॉल्यूशंस के अंदर खोलो मेल जेनिटलिया के अंदर आपने खोला पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस के अंदर आप खोले इम्पोटेंसी विथ सेलेनियम एंड यूरेनियम नाइट्रिकम। ये दो दवा है अगर इम्पोटेंसी के साथ, नपुंसकता के साथ मेल में बहुत प्रोमिनेंट लक्षण मिले कि नाइट पोल्यूशन, जनरल लैंग्वेज में नाइट फॉल की शिकायत होती है, तो दीस आर द टू रेमेडीज। और अगर आपको ये हिस्ट्री मिल जाए कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटल एग्जॉशन और लॉस ऑफ स्लीप से गुजरा है, तब सेलेनियम पक्की हो जाती है। यह भी पता चलता है कि हॉट वेदर इसको बहुत ज्यादा
सेलेनियम की एक और खासियत, एक जनरल सिम्टम है कि इसको हॉट वेदर जो है ना बर्दाश्त नहीं होता, हॉट वेदर। क्या कैसा इफेक्ट डालता है गर्म मौसम? सुस्त। जितनी गर्मी होगी उतना ज्यादा सेलेनियम का पेशेंट सुस्त रहेगा, और जैसी सूरज डूबेगा शाम होती जाएगी ऐसा लगेगा चार्ज हो गया, ठीक है ना? तो गर्मी में ये लोग दिन भर बिस्तर में पड़े हुए सोते हुए मिलेंगे आपको, बहुत सुस्ती आती है गर्मी से इनको। तो भी तो इस तरीके से आप इसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब अपन इससे रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स देखते हैं। अभी अपन ने सिंथेसिस रिपर्टरी के रूब्रिक देखे, अब इससे रिलेटेड रूब्रिक्स अपन देखते हैं डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में। डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में अगर आप चैप्टर खोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है एल्डरली पीपल, बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग जिनके अंदर इम्पोटेंसी के साथ गिलीट है। गिलीट क्या है? एक गोनोरियल डिस्चार्ज होता है। देर आर मेनली टू रेमेडीज फॉर दिस, लाइकोपोडियम एंड सेलेनियम, ठीक है? फिर यही इनकी रिपर्टरी में आप अगर अपन खोलते हैं डिजीज चैप्टर, अगर किसी ने सेक्स की बहुत अति मचाई है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व रहा है, अब उसको इम्पोटेंसी आ गई, नपुंसकता, साथ में वो दुबला होता जा रहा है सूख के, आके बोलता है डॉक्टर साहब ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है जो मैं इतना सूख के काटा हो गया हूं, मैं इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहा हूं और अब तो मैं सेक्स भी नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे इरेक्शन की प्रॉब्लम है। ये कंप्लीट पिक्चर होती है सेलेनियम की, है ना? डिजीज के अंदर इमेशिएशन ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर सेक्सुअल एक्सेस फ्रॉम इम्पोटेंस, इम्पोटेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस एंड इमेशिएशन, मतलब कि अति मचाने के बाद सेक्स के रिलेटेड उसको नपुंसकता तो आई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो आया ही है, साथ में वो सूख के कांटा हो गया, दुबला हो रहा है, वो बहुत दुबला हो गया है। कितनी रेमेडीज है? थ्री। कौन कौन सी? एग्नस कास्टस, मॉक्सचस एंड सेलेनियम। पर एग्नस कास्टस का केस अलग रहता है, एग्नस कास्टस जो है बहुत व्याभिचारी इंसान होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। व्याभिचारी इंसान होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, इधर उधर बहुत ज्यादा मुंह मारा हुआ होता है, उसको कई बार गोनोरिया की शिकायत हो चुकी होती है, समझ रही ना? है एग्नस कास्टस के बारे में क्या लिखा हुआ है? पुराने पापी, ओल्ड सिनर्स, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, वो भी बड़ा दिलचस्प करेक्टर होता है, ठीक है? खैर, तो और इसी डिजीज चैप्टर के अंदर अपन देखते हैं, तो एक तो इन जनरल इम्पोटेंसी के अंदर फर्स्ट ग्रेड में सेलेनियम दी हुई है, और एक दिया हुआ है बेनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, डिजीज के अंदर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, बेनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट विथ इम्पोटेंस, नपुंसकता के साथ, उसमें से वन ऑफ द रेमेडीज सेलेनियम। फिर आप डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में चैप्टर निकालेंगे मेल, इसमें भी देखो दिया हुआ है मेल में इनलार्जमेंट प्रोस्टेट विद इम्पोटेंसी, प्रोस्टेट नपुंसकता के साथ प्रोस्टेट का बड़ा हुआ होना, इम्पोटेंसी विद लेसिवियस फैंसीज, वही अत्यधिक कामुक कल्पनाएं हो और साथ में इम्पोटेंसी, ये अत्यधिक कामुक कल्पनाओं का होना, ये अत्यधिक कामुक विचारों का होना, ये अत्यधिक कामुक व्यक्तित्व का होना और साथ में इम्पोटेंसी इज ए क्लासिकल कॉम्बिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइबिंग, फॉर प्रिस्क्राइबिंग सेलेनियम। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और आप देखिए सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज्ड, अगर आप मेल के अंदर लेंगे मेल चैप्टर डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में, है चैप्टर मेल रूब्रिक सेक्सुअल डिजायर इन जनरल इंक्रीज्ड इन एल्डरली मैन विथ इम्पोटेंसी, बड़े लोगों में। कितनी रेमेडी है? कौन कौन सी? लाइकोपोडियम एंड सेलेनियम। लेकिन यहां पे लाइको और सेलेनियम में कैसे करेंगे? लाइकोपोडियम इतना कामुक विचारों के आसपास नहीं घूमता है,
और डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में भी अगर आप माइंड चैप्टर खोलते हैं तो माइंड चैप्टर में आप देखेंगे फैंटेसीज, इमेजिनेशंस, सेक्सुअल, उसके अंदर देखेंगे आप सेक्सुअल फैंटेसीज विद इम्पोटेंसी, बहुत जरूरी है। एक और बड़े अच्छा रूल दिया जिससे आप इसको अभी जो सारी चीजें बताई आप समझ सकते इस माइंड चैप्टर के अंदर, माइंड के अंदर डॉक्टर मर्फी की होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी के माइंड चैप्टर के अंदर आप देखें सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर देखें लेसिवियस लस्टफुल कामुक प्रवृत्ति विद इंपोर्टेंस। कैसे पता चलेगा कामुक प्रवृत्ति का इंसान है? उसकी बातें, उसका विचार घूम फिर के सेक्स के आसपास केंद्रित हो जाएगी। समझे? और वही जैसा कि सिंथेसिस में दिया है, माइंड चैप्टर के अंदर थॉट्स, थॉट्स के अंदर सेक्सुअल विथ इंपोर्टेंस। तो ये ध्यान रखना कि ये इतने तरह की इंपोर्टेंसी के काम में आती है, है ना, कि भाई अभी पूरी तरीके से इम्पोटेंसी हुई नहीं है लेकिन नर्वस वीकनेस ऐसी कि अगर सेक्सुअल एक्ट कर ले तो उसके बाद ऐसी थकान, ऐसी कमजोरी, ऐसा वीकनेस इन बैक, है ना, ऐसा चिड़चिड़ापन कि और ऐसी सुस्ती हावी होने वाली। फिर यही स्टेज थोड़ा आगे बढ़ गई तो अब इरेक्शन तो हो रहा है लेकिन जैसी क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट किया इरेक्शन डाउन हो गया। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नींद की कमी से या मानसिक श्रम, मेंटल एग्जॉशन की कंडीशन से गुजरा हो और रिलैक्सेशन टाइप का आ जाए जिससे कि इनवॉलेंट्री सीमेन का ड्रिबलिंग हो रही है, ऐसा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रात में इंपोटेंसी के साथ पोल्यूशंस की शिकायत हो रही है, नाइटफॉल की शिकायत हो रही है, ऐसी इंपोटेंसी, इनवॉलेंट्री प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज के साथ अगर इंपोटेंसी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द केस ऑफ सेलेनियम। ठीक है, तो इतनी तरह की इंपोटेंसी के ये काम में आती है और बड़ी उम्र के लोगों में भी लाइकोपोडियम की तरह, लाइकोपोडियम एंड सेलेनियम आर ओनली टू रेमेडीज की बड़ी उम्र के लोगों में, 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र के लोगों में अगर सेक्सुअल डिजायर हो लेकिन इम्पोटेंसी की शिकायत हो, ऐसे ही नहीं हो। ठीक, तो बहुत ही कॉमन कंडीशन आती है इसकी इम्पोटेंसी से रिलेटेड, इसलिए मैंने लाइकोपोडियम के बाद सेकेंड रेमेडी इसको चुना लेक्चर लेने के लिए। ठीक है,